तो आज की क्लास में हम बात करेंगे डेटा को सिलेक्ट करना कि डेटा कैसे सिलेक्ट किया जाता है। जैसे ये डेटा आपको दिख रहा है जो कि ए से लेके मान लीजिए कि एफ तक है, F15 तक है, इसको सिलेक्ट करना है। तो इसका दो मेथड है, एक मेथड है जो कि एक्सेल का मेथड है कि आपने एक्सेल जैसे फॉर्मूले में हम डालते हैं उस तरह से A1 से लेके F15 डॉट सेलेक्ट कर दिया, आपका डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा होता है VVA मेथड जिसमें हम स्टार्टिंग अपना डालते हैं सेल्स और एंडिंग सेल्स डालते हैं F15, तो स्टार्टिंग सेल्स और एंडिंग सेल्स डालते हैं और सिलेक्ट करते हैं। तो ये जो हुआ ये VVA मेथड हुआ और ये आपका एक्सेल मेथड हुआ। तो जब डायनेमिक सिलेक्शन करनी होती है तो हम इसी मेथड का यूज करते हैं। और जैसे मान लीजिए कंट्रोल लेकर के पूरा डेटा सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम यहाँ लिखते हैं रेंज A1 डॉट करेंट रीजन डॉट सेलेक्ट, ठीक है, A1 डॉट करेंट रीजन डॉट सेलेक्ट। और हमने आपको सेल्स बताया था कि सेल्स 1,1 हम कर देते हैं और डॉट सेलेक्ट करते हैं, एक सेल सेलेक्ट होता है मतलब कि रो 1 कॉलम 1 इस पे कर्सर जाएगा। लेकिन अगर मैं कुछ ना लिखूं, मैं लिखता हूँ सेल्स डॉट सेलेक्ट, ये तो पूरी की पूरी शीट को सिलेक्ट कर देता है, पूरी शीट को सिलेक्ट कर देता है। कर्सर मूव करना मैंने सिखाया था कि ऊपर से नीचे लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं रेंज A 65,000 डॉट एंड एक्सेल अप एंड एक्सेल डाउन एक्सेल अप, हाँ आप ये करते हैं डॉट सेलेक्ट तो लास्ट में चला जाता है। लेकिन मुझे लास्ट में नहीं जाना, मुझे पूरा का पूरा सिलेक्शन करना है डेटा। तो इसके लिए हम इस मेथड को यूज करेंगे, ऊपर वाला जो सेकेंड मेथड है इसको यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे रेंज A1 और फिर वापस स्टार्टिंग A1 हुआ और एंडिंग में वापस देते हैं रेंज A1 डॉट एंड XL2 राइट डॉट सेलेक्ट। तो ये क्या करेगा, ये जो यहां से लेके यहां तक इस तरह सिलेक्शन कर देगा राइट की तरफ। फिर रेंज यहां पे हम बोलते हैं सिलेक्शन, जो सिलेक्टेड एरिया जो ऊपर सिलेक्ट किया है वहां से लीजिए और सिलेक्शन डॉट एंड XL DON डाउन डॉट सेलेक्ट। तो दोनों लाइन देंगे तो क्या करेगा है? यहां से इधर जाएगा और नीचे की तरफ आएगा, राइट सर? अगर यहाँ पे कहीं पे भी गैप हुआ तो दिक्कत होगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, मेथड अपनाते हैं कि R इक्वल टू रेंज, एक R वेरिएबल ले लिया मैंने 65,000 डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट रो, इसका जो रो नंबर है वो R पे स्टोर कर देंगे। C रेंज XFD1 डॉट एंड XL2 लेफ्ट डॉट कॉलम। तो ये नीचे से ऊपर जाके 15 नंबर आ जाएगा और ये XFD1 है जो कि सबसे लास्ट वाले कॉलम पे जाएगा और यहाँ से राइट की तरफ करेगा और जो F का कॉलम नंबर है ना ये सर, एक कॉलम नंबर इस पे डाल देगा। F का कॉलम नंबर क्या हो गया 6, तो 6 डाल देगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ रेंज कि स्टार्टिंग पोजीशन तो पता है हमारा कि A1 है और एंडिंग पोजीशन जो है हमारा वो हमारा 15 नंबर रो 6 नंबर कॉलम। तो सेल्स 15,6 डॉट सेलेक्ट, ठीक है सर? तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं, क्लियर है? इसमें पूरा का पूरा डेटा आपको सिलेक्ट कर लेता है। और लेकिन ध्यान रखिएगा सिलेक्ट करने के लिए शीट पे जाना होगा। जैसे मान लीजिए मुझे बुक 2 के शीट 2 पे जाना है तो सबसे पहले यहां करेंगे बर्थ बुक्स, यहां पे बुक 2 डॉट एक्सलेस एक्स या एम जो भी एक्सटेंशन है वो देख लीजिएगा, लाइन एक्टिवेट कीजिए, फिर जाइए यहाँ पे शीट्स, शीट्स के अंदर आप दीजिए
sheet 2 dot select या activate, then आपका ये जो बाकी कोडिंग जो करेंगे वो करना होगा। लेकिन आपको डायरेक्ट कॉपी करना है तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे लिखेंगे वर्क बुक्स बुक 1 या 2 डॉट xls x जो भी एक्सटेंशन है डॉट sheets, शीट्स में हमने डाल दिया sheet 2 या जो भी sheet नंबर है, जो भी sheet कॉलिंग में थोड़े डाल दीजिए, डॉट रेंज जैसे मैंने 1 डॉट करेंट रीजन डॉट डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या भी जो भी एक्सटेंशन या है ये चीजें आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कॉपी करना होगा लेकिन जाके सिलेक्ट करना है, इसको एक्टिवेट करना है तो फिर आपको करना पड़ेगा। तो किसी भी डेटा को सिलेक्ट करने का तरीका ये होता है जो कि मैंने बताया आपको। अब अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनमें से कोई एक सिलेक्शन मेथड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है सर।